भाई आपका 100 के उठा 9 बज रहे हैं और आज थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि सौरभ भाई और उनके टीम ने मुझे कहा था कि 9 बजे तक तैयार रहना है वहां पर लोकेशन पर, लेकिन अभी मैं 100 के उठा हूं। तो अभी कितना बज रहा है जी? 9 बजे। देखिए अभी 9 बज बज ही गए हैं और अभी मिलते थोड़ा फ्रेश होने के बाद। तो भाई आपका रेडी है, तैयार है। और आपको बता दें कि अंकुश ने मुझे कॉल किया था, अंकुश सौरभ ने कॉल किया था मुझे, तब जाकर नींद टूटी है। और वो कॉल नहीं करता तो शायद आज का ट्रिप कैंसिल हो सकता था। तो थैंक यू कॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि मैं 100 के उठाऊँ 11 बजे और आज जैसे कि आप देखते हैं 100 के उठाऊँ 9 बजे, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कि भाई देवराज तो हमेशा लेट से 100 के उठता है, क्या पढ़ाई करता होगा पता नहीं। तो ऐसा नहीं है। और आपको बता दें कि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बजे 100 के उठते हो, मैटर ये करता है कि आप कितने घंटे सोते हो। अगर आप मान लीजिए रात को 9 बजे या 10 बजे सोते हैं और वापस सुबह को 10 बजे या 9 बजे उठते हैं, तब तो भाई 12 घंटे हो जाते हैं। तो 12 घंटा नींद नहीं लेनी है, एक सफिशियंट नींद लेनी है आपको। अगर आप स्टूडेंट है तो लगभग 6 से 7 घंटा, तो मैं नॉर्मली 5 से 6 घंटा हर रोज़ सोता हूँ, उससे ज़्यादा मैं सोता नहीं हूँ। और उसके बाद उठ करके अपने गोल को अचीव करने में पूरे समय को लगा देना है और समय का सही से यूटिलाइज करना है। मैटर नहीं करता है कि आप सुबह 7 बजे कर रहे हो या फिर रात को 7 बजे कर रहे हो या फिर दोपहर को कर रहे हो यूटिलाइज, तो मैटर वो नहीं करता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 11 बजे सो के उठता हूँ मूवी देखता हूँ। तो भाई मूवी कभी कभी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ देखता हूँ। और आज भी दोस्तों के साथ कभी कभी मतलब मस्ती करनी चाहिए। और आपको बता देना चाहते हैं एक बात कि मैं आज तक वेस्ट बंगाल में मैं रहता हूँ, फिर झारखंड में मैंने रहा, फिर बिहार में मैंने रहा और बिहार में लगभग पिछले 4 सालों से हूँ, लेकिन आज तक मैंने ना जू गया है, ना फिर वाटर पार्क गया है, ना सिनेमा हॉल गया है। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई वाटर पार्क, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। वो भी ब्लॉग के लिए जाना पड़ता, अगर ब्लॉग शूट नहीं करता तो नहीं जाता। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जे सेक्टर पीसी कॉलोनी से होते हुए 90 फीट की ओर जा रहे हैं क्योंकि भाई साहब 90 फीट पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और मैं जब भी नॉर्मली 3-4 किलोमीटर जाता हूं, अगर इमरजेंसी रहती है तभी मैं ऑटो का वाहन का सहारा लेता हूं, वैसे मैं पैदल ही, तभी फ़िलहाल पैदल जा रहा हूं। आपको बता दें इस झोली में क्या क्या, झोली में नॉर्मली एक दूसरा ड्रेस है और एक पावर बैंक है, एक डाटा केबल है, लेकिन भाई आपका गॉगल लाना भूल गया, सनग्लासेस लाना भूल गया। तो भाई दुख की बात है, यही होता है लेट से उठने से और अचानक निकलने से, पैकिंग सही से नहीं हो पाती है। हमें रात को ही करके रख लेना चाहिए था पैकिंग, लेकिन रात को सब पता था। मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने टीम से। तो टीम का पहला मेंबर है मिस्टर ललन पांडे। ललन पांडे ये मेरे नए फ्रेंड है, आज इनको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ब्लॉग में। और एक फ्रेंड से मिलिए, पहले मिल चुके हैं मिस्टर अंकुश और एक सौरभ। एंड मीट माई अनदर फ्रेंड, हिज नेम इज मिस्टर सौरभ परनवाल। इन्होंने ही मुझे कॉल करके टाइम बर्बाद किया मेरा, सोचे साथ में एक बार हैंग आउट कर लेते हैं, फिर पता नहीं मौका कब मिलेगा। मिलेगा भाई, मौका मिलेगा, इस वक्त लॉन्ग फैमिली के साथ जाएंगे हम लोग। चलो ललन का भी लिया। ये है बिहार का फेमस लिट्टी, लेकिन चोखा नहीं है, सिर्फ छोला है, ये बिहारी वाला नहीं है। तो फिलहाल हम लोग हैं यहाँ पे 90 फीट में, इधर से अगर आप दाएं जाते हैं तो फुलवारी शरीफ होते हुए भागलपुर चले जाते हैं, फतुहा जाते हैं तो मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। और पीछे आपको बता दें कि ये डायरेक्ट राजेंद्र नगर पुल होते हुए दिनकर गोलंबर होते हुए नाला रोड होते हुए जंक्शन जाते हैं और मुझे भी चलना इधर से लेफ्ट। पहाड़ी हम लोग पहला बार जा रहे हैं। हाँ हाँ, पहला बार जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहाड़ी से राइट कट कर हो चुके हैं मसौड़ी गया रोड में, तो यहाँ से ही आपको जाना है और देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर जाना है। ये देखो फोन ऊपर करके बात करते हैं। मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक ना? आपका नंबर हम यूट्यूब में डाल देंगे, ठीक ना? कॉल करेगा आपको, चलिए। अभी क्या हुआ? मेरा नाम लाला है। पूरा नाम बताइए। लाला लाला नाम है मेरा।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाला वाला ऑटो भैया के पास, लाला भैया ऑटो वाले के साथ में, और इन्होंने ऑटो का चार्ज कितना पड़ा? 220 रुपये, $220 यूट्यूब के भाषा में बोल रहे हैं थोड़ा। और इनका नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जब भी चाहे तो इनको कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं संपक चौक बाजार में, आप यहां पे देख सकते हैं यहां का सीन कुछ ऐसा है। और अभी हम लोग इधर से राइट जाएंगे ना दायां साइड, और अभी हम लोग यहां से राइट जाने वाले हैं, देखते हैं कहां से राइट जाने वाले हैं, आप वीडियो पे बने रहें। और यहां से अभी हम लोग राइट ले रहे हैं, और जहां से राइट लिया यहां का लोकेशन सीन देख सकते हैं कुछ इस तरह का है मार्केट यहां पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हम लोग हैं गेट नंबर 1 के पास, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फैंटेसिया आइलैंड। तो भाई अभी आपका चलेगा अंदर, उसके बाद फिर अंदर का सारा सिस्टम बताएगा क्या है कैसा है कितना चार्जेस है, और अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो भी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां आते हैं तो आप ज़रूरी कुछ खाने पीने के पदार्थ ले आएँ, क्योंकि एक चॉकलेट का दाम जिसकी कीमत 1 रुपये यहां पे डबल लिया जाता है, 2 रुपये, तो आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ों का कीमत डबल है। तो आप पहले से लेके आए जी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर वाटर पार्क आते हैं तो आपको इस तरह के फूल बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कदम के फूल, और ये बाहर से वाइट है और इसे अगर थोड़ा छेड़ा जाएगा तो अंदर से येलो, उसको भी छेड़ा जाएगा तो और अंदर से ग्रीन। तो फ्रेंड्स वाटर पार्क के लिए आपको ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे यहाँ पर फैंटेसिया आइसलैंड के बारे में। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2019 से यहाँ पर चार्जेस जो हो गए हैं वो हो गए हैं मंडे टू फ्राइडे 400 एंड सैटरडे संडे वीकेंड पर 500 एडल्ट्स के लिए, और 3 फीट से ज़्यादा हाइट के बच्चों का भी फुल टिकट लगता है। एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि 10 जुलाई 2019 से यहाँ पर एक और चेंजेस हुए हैं। आपको यहाँ पर मंडे टू संडे अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो एक दिन यहाँ पर क्लोज रहता है, वो दिन है वेडनेसडे। वेडनेसडे को आप यहाँ पर ना आएँ क्योंकि यहाँ पर बंद रहते हैं आइसलैंड, तो बाकी के 6 दिन आप आ सकते हैं। अब चलिए अंदर की ओर, सब बातें यहीं कर लेंगे क्या। अच्छा सौरभ भाई एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे पार्क घूमने आया है या फिर वाटर पार्क घूमने आया है? हम लोग वाटर पार्क घूमने आए हैं। 100 फोटो का सेल्फी ले रहा है वहाँ से। भाई साहब को देखिए, हम ग्रुप में सबसे हैंडसम बंदा यही है, नाम बताइए। ललन, और सॉरी नाम भूल गए थे शुरू में ही पूछे, क्योंकि भाई साहब से फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं। ये है गेट नंबर 2, और गेट नंबर 2 के सामने आपको मिल जाते हैं गणपति बप्पा, जो कि जरूरी है भाई। जय गणपति बप्पा। फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं वाटर पार्क में, देखते हैं क्या क्राइटेरिया है इधर का। बोल भाई। हाँ भाई क्या बोले, माहौल का मजा ले रहे हैं, पर थोड़ी देर सीन के अंदर जाना है कॉस्ट्यूम के साथ। तो कॉस्ट्यूम कब लोगे? बस विदिन टू मिनट। चल चलो लेते हैं, 2 मिनट पहले ले लेंगे तो क्या होगा। आपका भाई तो स्मार्ट लग रहा है जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग अभी है यहाँ पे 4 बंदा, तो 4 बंदे का के लिए एक ही लॉकर लिए हैं, उन्होंने कह रहा था 2 लॉकर लेने को, तो हम 1 लॉकर लिए, तो 1 लॉकर का चार्जेस है 50 रुपीज, और हम लोग 4 बंदे का चार्जेस है 50 रुपीज इंटू 4, तो 250 रुपीज, तो हम लोग को डिपॉजिट करना पड़ा 500 रुपीज़। जब हम लोग वापस जाएंगे तब रिफंड कर दिया जाएगा 250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये जो है वो हम लोग से प्रीमियम के लिए रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। बच्चा भी है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब एडल्ट हैं। हेलो
कौन सा चाहिए, मानसून पेंट चाहिए क्या चाहिए? मानसून मुझे ब्लू चाहिए, लाल मेरे लिए बेस्ट है। और ये रेट नहीं है भैया साइज, अरे साला हम तो साइज वाला निकल गए। तो गाइस अभी हम लोग कॉस्ट्यूम में हैं, आप देख सकते हैं हम लोग चारों यहां पर रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं फोन को रखते हैं लॉकर पे, उसके बाद थोड़ा एक घंटा एंजॉय करते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं घंटे बाद। कुछ कहना चाहेंगे आप सब? दोस्तों समय हो चुका है ब्लॉग शूट करने का, तो भाई के साथ शूट करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ का इंस्ट्रक्शन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से लेकर के लगभग 1000 लॉकर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सॉरी 752 लॉकर्स मुझे मिले हैं, 652 एंड 682 लॉकर नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कहना चाहेंगे कि अभी बारिश काफी तेज हो रही है, और बारिश में यहाँ पे डाइविंग करने का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए मिलते हैं डाइविंग के बाद। तो फ्रेंड्स सीन अभी ऐसा है कि अभी बारिश हो चुकी है पूरी तरह से समाप्त, और अभी हम लोग फिर वापस डाइविंग शुरू करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पार्क जो है वाटर पार्क है, ये लगभग 11 AM टू 6 PM तक खुला रहता है, और इसमें काफ़ी वेरिएशन में है। आप समुद्र किनारे का लहर का मज़ा भी उठा सकते हैं जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा, उसके बाद डाइविंग भी तरह तरह के कर सकते हैं, ट्यूब डाइविंग भी कर सकते हैं। तो भाई लुत्फ़ उठाना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, और देखो मजाक मत करो, हम आ सकते हैं, मोबाइल गिर जाएगा भाई, फ्रेम में आ जाओ, लेकिन उसको मत ही करो। तो आप जरूर बताएं दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बन रहा है, पहली बार वाटर पार्क का एक्सपीरियंस, पहली बार इतने खुल के इंजॉय करते हुए बारिश में नहाते हुए, और ओवरऑल आपको कहूँ तो भाई मज़ा आ गया। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको वीडियो, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सीन कुछ ऐसा है कि अभी समय हो चुका है फ़ोन चार्ज लगाने का, क्योंकि भाई का फ़ोन अभी डिस्चार्ज होने वाला है, 25% है, तो तब तक चार्ज लगाते हैं, फिर अपन जाएगा उधर भाई के साथ, थोड़ा इंजॉय करेगा, लुक तो उठाएगा, उसके बाद फिर से कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और हो सके तो वापस फिर जाने का प्लानिंग करते हैं। तो मिलते थोड़ी देर में, आप बने रहें। और हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि घर जाते जाते कल परसों तक सर्दी का सामना करना पड़ सकता है 100%, क्योंकि ना कूँ काफ़ी ज़्यादा पानी जा चुका है, तो थोड़ा चार्ज लगाते हैं फिर आते हैं उधर से। तो फ्रेंड्स ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है फैंटासिया वाटर पार्क का सीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेड येलो एंड ब्लू, इस तीनों में हमने ट्राई किया, फिर ये ग्रीन वाले में भी ट्राई किया है और येलो वाले में भी ट्राई किया है। और इधर आपके अगर आपको बात करूँ मैं इधर की, तो इसमें येलो वाला थोड़ा डेंजरस लगता है, बट रेड वाला काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ जाता है। और इस क्यूब में भी हम लोगों ने किया है, काफ़ी मज़ा आया। देख सकते हैं आप, उस ब्लू वाले लाइन में निकलेंगे जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा सीन है आउटसाइड एरिया का, इधर देख सकते हैं बाहर में। और ये जो फैंटासिया पार्क है ये गया रोड में आपको थोड़ा आउटसाइड एरिया में मिलता है, इसलिए यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं सिर्फ खेत ही खेत है, बगीचे हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और हमारे ललन भाई कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि जो जो भी इस वीडियो को देखे आप लोग भी आइए, फुल एंजॉय कीजिए, और मैं हम लोग इतना थक चुके हैं एंजॉय करते करते कि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक चीज़ मिस किया था, वो गॉगल नहीं लाया, इसके बिना काफ़ी समझ सकते हैं। तब चलते हैं वापस, और फिर भूख लगी तो रास्ते में कुछ देखते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, और फिर आगे का सीन बताते हैं आपको। चलिए हेलो भाई, से समथिंग पोस्ट ऑन यूट्यूब। आप देख सकते हैं काफी सारे कदम के पेड़ लगे हुए हैं, इसके हमने एक फ्लावर भी आपको दिखाया था शुरू में, तो काफी अच्छा सीन है। और अभी हम लोग सीन बनाते हैं वापस जाने का, तो चलिए ललन जी। तो अभी हम लोगों को लगी है भूख, तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं खाने का, देखते हैं क्या खाते हैं। आप देखिए जितने भी सारे आप व्यंजन देख रहे हैं सारे 50 रुपये करके हैं, और ये खा रहे हैं अंकुश और सौरभ, और हाथ दिखाओ यार। अरे यार हाथ दिखाओ नहीं यार। अरे चारो ये है, क्या है ये? बैंड है, ये है टिकट, ऐसा कौन सा? ये है प्रूफ, बैंड अब ऐसे करके रखो ना। हाँ अब ये ऐसे पकड़ो, देखो था ना वीडियो ऐसे का पकड़ो, रात पकड़ो, ये कोड है, ये स्कैन होगा अंदर। तो फ्रेंड्स वापस आ चुका हूँ अपने रूम, अभी भी है हमारे पास ये टिकट 400 रुपीज़ की, जिसे मैं भी फेंकने वाला हूँ। और आपको बता दें कि नॉर्मल अगर आप वहाँ जाते हैं तो नॉर्मली अकेले तो जाएंगे नहीं, फ्रेंड सर्कल में जाएंगे या फिर ग्रुप्स में जाएंगे, तो आपको ज़्यादा खर्चे नहीं पड़ेंगे, आपको लगभग अगर आप वीकेंड में जाते हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे, अगर आप नॉर्मल डेज में जाते हैं तो आपको लगभग एक पर हेड पड़ जाएंगे आपको 550 रुपीज़, सिर्फ वहाँ के वाटर पार्क के खर्चे का, ना आने जाने के खर्चे के बारे में बात करो और ना ही कुछ खाने पीने के खर्चे के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लगभग 550 से 650 में पूरे सप्ताह भर का मतलब वीकेंड और नॉर्मल डेज का खर्चा उठा सकते हैं वहाँ पर अगर जाते हैं तो। काफ़ी सस्ता है। और एक छपाक में भी एक नए पार्क खुला हुआ था, किसी दिन वहाँ भी जाने का प्लानिंग करते हैं, किसी दिन नहीं किसी महीने, अभी समय है। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहेंगे कैंटीन वाले भैया को, जहाँ पर हम लोगों ने खाने के बाद पेमेंट किया गूगल पे से, लेकिन पेमेंट अभी भी 3 दिनों तक फंसा हुआ है वहाँ पर, प्रोसेसिंग में है। तो प्रोसेसिंग में है तो आप कमेंट करके बताना पेमेंट क्या होता है, फंस जाता है या जाता है या नहीं जाता है। तो हमने उनको बताया कि पेमेंट अक्सर ऐसा चले जाते हैं, तो उन्होंने मान लिया और बोला अगर नहीं जाएंगे तो आप, मैं आपको कॉल करूँगा, भेज देना। तो हमने अपना नंबर उनको दे दिया। तो थैंक्स संजीव भाई, तो थैंक्स संजीव रंजन जी, आपने मेरा दर्द को समझा, थैंक यू। अगर पेमेंट नहीं जाता और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर हम आपको पेमेंट कर देंगे, और उनको अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।